वाराणसी पहुंचे विदेशी मेहमानों का शाही अंदाज में स्वागत, गुलशन सजा शहर। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रविवार को इटली, ब्राजील, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, जापान, रशिया, सिंगापुर आदि देशों के मेहमान काशी पहुंचे। मेहमानों का पारंपरिक तरीके से स्वागत हुआ। एयरपोर्ट पर कहीं धोबिया नृत्य तो कहीं शहनाई वादन के बीच तिलक लगाकर प्रतिनिधियों की अगवानी हुई। एयरपोर्ट रोड पर स्कूली बच्चों ने अलग अलग देशों के झंडे के साथ विदेशी मेहमानों का स्वागत किया। G20 बैठक में शामिल होने वाराणसी पहुंचे मेहमानों का स्वागत लोक कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से किया। स्वागत से अभिभूत इजराइल के प्रतिनिधियों ने कलाकारों से लोक कला की प्राचीनता और इतिहास के बारे में जाना। बाबतपुर एयरपोर्ट पर उतरने के बाद मेहमानों का स्वागत बांदा के 15 सदस्यीय कलाकारों ने पाई डंडा और पारंपरिक लोक नृत्य दीवारी कला से हुआ। भगवान राम के अयोध्या वापसी पर बुंदेलखंड के कलाकारों ने लोक नृत्य और दीवारी मार्शल आर्ट्स का प्रदर्शन किया। तरना में विजय यादव के नेतृत्व में लोक नृत्य कर्मा की प्रस्तुति हुई। संत अतुलानंद तिराहा पर मुनालाल के नेतृत्व में धोबिया नृत्य कैंटोनमेंट होटल में राई व नटवरी लोक नृत्य से मेहमानों का स्वागत हुआ। वाराणसी में तैयार होगा वैश्विक कृषि का नया रोड मैप। भारत समेत दुनिया के 20 विकासशील देशों में वैश्विक कृषि के विकास का नया रोड मैप काशी में तैयार होगा। 17 से 19 अप्रैल तक चलने वाले G20 सम्मेलन में कृषि, कृषि शिक्षा, अनुसंधान आदि मुद्दों पर भारत समेत 20 देशों के कृषि वैज्ञानिक मंथन करेंगे। इसके लिए वैज्ञानिकों और प्रतिनिधियों का समूह रविवार को काशी पहुंच गया। रविवार को नदीसर स्थित तारांकित होटल में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक हिमांशु पाठक व सचिव संजय ने बताया कि सम्मेलन में विश्व स्वास्थ्य संगठन और वैश्विक व्यापार संगठन सहित कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले कई संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल होंगे। पहले दिन 17 अप्रैल को सुबह 9 बजे केंद्रीय मंत्री वीके सिंह सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में पोषण, खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती बढ़ाने संबंधी बिंदुओं पर चर्चा होगी। सम्मेलन का विषय वसुधैव कुटुम्बकम है। वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर का संदेश भी इसी के माध्यम से दिया जाएगा। डॉक्टर हिमांशु ने कहा कि देश के 60 शहरों में कुल 200 सम्मेलन होने हैं। 100वां सम्मेलन काशी में होना गौरव की बात है। इसमें कृषि के क्षेत्र में विकास से जुड़े बिंदुओं पर चर्चा होगी। अब तक हुए सम्मेलन में 110 अलग अलग देशों से 12,300 से अधिक प्रतिभागी शामिल हो चुके हैं। पूरे विश्व की 85% GDP कुल व्यापार का 75% व्यापार G20 देशों में होता है।